हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोन के बेसिस पे जो हमारे साथ फ्रॉड होता है धानी के नाम पर। धानी एक आजकल बहुत कॉमन सा नेम है, पिछले कई टाइम से चल रहा है और लोगों को पता होने के बावजूद भी लोग इसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और फिर जब केस हो जाता है उसके बाद वो हमारा वीडियो देखना शुरू करते हैं। हम बहुत सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं और आप लोगों से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, जिससे कि आपको ये हमेशा पता रहे कि फ्रॉड किस तरीके के लेटेस्ट चल रहे हैं, जिससे कि आपका बचाव हो सके। कुछ ऐसा ही हमारे पास गोविंद जी का मैसेज आया और कॉल भी आया, जिसमें मैं आपको अभी आगे वीडियो भी में आपको इनके मैसेज भी दिखाऊंगा और साथ में इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुनाऊंगा। गोविंद जी के साथ धानी के नाम पर बिल्कुल उसी तरीके का केस हुआ जैसा कि कई सारे लोगों के साथ होता है, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, बट क्योंकि इनका केस भी कुछ सिमिलर वैसा ही था, थोड़ा हटके था, तो मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो दिखाना चाहिए। अमूमन क्या देखा जाता है कि हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है, हम नेट पर सर्च करते हैं, हमें कोई फर्जी वेबसाइट या फर्जी एप्लीकेशन का एक लिंक मिलता है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, वहां पर अपनी डिटेल डालते हैं, सबमिट करते हैं और उनके पास हमारा नंबर पहुंच जाता है। यहाँ पर केस कुछ डिफरेंट था, इनके नंबर पर डायरेक्ट एक कॉल आया जिसमें इनसे पूछा गया कि क्या आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, जबकि इनका कहना ये था कि इन्होंने कहीं पर भी इंटरनेट पर कोई लोन के लिए सर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया। इनके पास डायरेक्ट एक नंबर से कॉल आता है, अननोन नंबर से, और वो पूछता है कि क्या आपको लोन चाहिए, हम आपके लोन को केवल 24 आवर्स के अंदर प्रोसेस करा के आपके अकाउंट में डलवा देंगे। इनको लगता है कि खुद ही कॉल आया है, हो सकता है जेन्युइन बंदा हो, इनकी भी लोन की रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने हाँ कह दिया और उसके यहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़ गया। उसने इनको रिक्वेस्ट भेजी, जो जो चीजें इनके साथ हुई हैं वो सभी मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाता रहूंगा, जिससे आपको एविडेंस देखकर भी एक बिलीव आए कि किस तरीके के केस होता है और कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं। इनको एक रिक्वेस्ट भेजी गई कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीजें आपको सबमिट करनी है, दीज ऑल अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। बेस्ड ऑन दैट इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के साथ साथ इनसे एक रजिस्ट्रेशन फीस मांगी गई, जिसमें उन्होंने 2000 समथिंग का एक पेमेंट आप जैसा देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इन्होंने पेमेंट किया। उसके बाद इनको एक इनिशियल अप्रूवल भेजा गया कि आपका लोन जो है वो अप्रूव हो चुका है, उसकी इतनी इतनी ईएमआई होगी, पूरा अप्रूवल लेटर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनको भेजा गया। उसके बाद इनसे 6000 समथिंग रुपीज की एक और पेमेंट मांगी गई, जिसमें उसका ब्यौरा दिया गया कि वो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, वो टैक्स पे आपको करना पड़ेगा और उसके बाद आपको पेमेंट हो जाएगा। इनकी जो लोन की रिक्वायरमेंट थी वो लगभग 50,000 रुपए की थी जो इन्होंने की थी। 50,000 के लोन के लिए इनसे लगभग पहले जो 2000 समथिंग का अमाउंट लिया गया, उसके बाद 6000 समथिंग का अमाउंट लिया गया, लगभग मैं बात करूं तो 9000 रुपए का अमाउंट इनसे ले लिया गया। और जब 9000 रुपए का अमाउंट चला गया, उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट जो थे वो इनको भेजे गए, उसने अपने कुछ एविडेंस भेजे, अप्रूवल ऑफ लेटर भेजा और जो भी डिस्कशन होता है जैसा कि आप इसमें देखते जा रहे हैं, ये सब इनके साथ शेयर हुआ। बाद में जब 9000 रुपए के बाद उसने फिर एक और डिमांड करी कि SBI ने आपका जो लोन है वो होल्ड कर दिया है, क्योंकि आपको ई गवर्नमेंट की फीस और देनी पड़ेगी जो लगभग 10,000 रुपए की है, क्योंकि ये पैसा जो हम आपसे मांग रहे हैं ये सब पैसा आपको आपके लोन अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ की ये प्रोसेस फीस है तो इनिशियली जमा करनी होती है। इन्होंने जब बोला कि नहीं मेरे पास तो पैसा ही नहीं रहेगा, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन शॉट में 62.19 रुपीज के आसपास इनका अकाउंट में केवल पैसा रह गया, तो इन्होंने जब बोला कि मुझे पास पैसे नहीं है, मैं आपको और पैसे नहीं दे सकता, आप प्लीज मेरा जितना पैसा मैंने आपको दिया वो आप मुझे वापस कर दीजिए, अब मुझे आपसे कोई भी लोन नहीं लेना है। इस पर जब उस बंदे ने, स्कैमर ने इनको समझा कि इनके पास अब पैसा नहीं रह गया, उसने इनके भी नंबर को ब्लॉक कर दिया और अपने नंबर को भी ब्लॉक करके इस पूरी स्टोरी को खत्म कर दिया, सो दैट कि ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। अब जब ये कॉल करते हैं तो वो नंबर ब्लॉक जाता है, ना इनका कॉल रिसीव होता, ना किसी से बात हो पाती। इसके बाद अब यहाँ पर इनके सामने समस्या ये फंस गई कि अब आखिर करें तो करें क्या। उसके बाद इनको YouTube पर इन्होंने सर्च किया और इनको मेरा YouTube चैनल दिखाई दिया, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और इन्होंने मुझसे पूछा कि अब इनको क्या करना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी है cybercrime.gov.in पर। ये हमारी गवर्नमेंट की साइट है जहां पर आपके द्वारा किसी भी
तरीके का फ्रॉड होता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना है या खुद करना है या फिर किसी ऐसे समझदार आदमी से आपको फ्रॉड यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना है जो तरीके से इस वेबसाइट पर अपने फ्रॉड को डिटेल्स के द्वारा रजिस्टर्ड कर सके। अगर आप के पास लैपटॉप नहीं है या फिर मोबाइल पर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप इस पर रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते हैं या मैं कहूं कंप्लेंट करना नहीं जानते हैं, तो आप इमीडिएट बेसिस पर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। वहां पर कॉल करने के बाद आपसे जो डिटेल पूछी जाएंगी उन डिटेल्स को आप वहां पर साइबर क्राइम पर देकर आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। जितनी जल्दी आप कंप्लेंट करा देंगे उतनी जल्दी आपके पैसे मिलने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे। मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको दूसरे चैनल पर, जो मेरा दूसरा चैनल है साइबर सिक्योरिटी साइबर सुरक्षा पर, वहां पर मैं एक लेटेस्ट वीडियो डालने वाला हूं जहां पर मैंने एक व्यक्ति का पूरा पैसा 14,000 रुपए उसको रिटर्न कराया क्योंकि उसका पूरा पैसा इसी तरीके से फ्रॉड में फंस गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इनसे जब मेरी बात हुई, जब मैंने इनको बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो इन्होंने उस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया। इवन दो क्योंकि इनकी जो ये प्रॉब्लम थी इन्होंने ऑलरेडी लगभग 24 घंटे बाद ही मुझसे डिस्कस की थी, ये रीजन था कि इनका पैसा वापस नहीं आ पाया। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप हमेशा जो कंप्लेंट है वो विद इन 24 आवर्स करें। इवन मैं ये भी कहता हूँ कि आप 24 आवर्स का भी वेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो तुरंत आप कंप्लेंट 1930 पर या cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेंट को रजिस्टर कराएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पैसे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आप अगर इस तरीके के फ्रॉड में फंसते हैं जो आपको झांसा देते हैं कि 24 आवर्स के अंदर आपको लोन अप्रूवल हो जाएगा, आपके अकाउंट में चला जाएगा, और अननोन नंबर से आपको इस तरीके के कॉल आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है उनकी बातों में, झांसों में आना नहीं है, क्योंकि इस तरीके के जितने भी स्कैम्स चल रहे हैं ऑनलाइन वो सब फ्रॉड है और आपको किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसना है। सो होप सो गाइस कि आज का जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाया इसमें आपको बहुत क्लियरिटी आई होगी कि धानी किस तरीके से फ्रॉड होते हैं और किस तरीके से आपको नहीं फंसना चाहिए, और अगर इनके साथ फंस जाते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मेरे चैनल पे ऐसे ही आगे देखते रहना चाहिए जिससे कि आप किसी भी स्कैमर्स के किए हुए फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे, तो आपको मेरे इस चैनल शूट माय स्टाइल को फॉलो करना चाहिए या फिर मैं कहूँ सब्सक्राइब करना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।